जी तलबा अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर उमर सैन एंड यू आर वॉचिंग वंडर्स ऑफ इंग्लिश। सो नेक्स्ट सेशन में मजीद ट्रांसलेशन सीखिए और मजीद इंग्लिश पे अबूर हासिल कीजिए। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू टू ऑल आवर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश फ्राम 9 टू ग्रेड ऑल, मतलब 9 से लेकर इंटरमीडिएट और बच्चों के लिए है। एवरी वन कैन लर्न English. There is no limit of age and classes. पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट क्या आंसर है, पाकिस्तान। सो हम कहेंगे पाकिस्तान इज माई, अक्सर बच्चों को ये ट्रांसलेशन आती है पेपर्स में बोल के, पाकिस्तान है, एक है पाकिस्तान एज ए कलेक्टिव नाउन, पाकिस्तान इज माई प्यारा डियर होमलैंड, होम लैंड, एच ओ एम ई एल ए एन डी, पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। सो हमें कैसे पता चला, ऐसे पाकिस्तान जो है वो हमारा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज आर डियर होम लैंड, मेरा प्यारा वतन है, माई डियर मेरा, और अगर हमारा होता तो आर होता, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, मैं पाकिस्तानी उस्ताद हूँ, मैं की देखें इंग्लिश आई सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सा लगना है अपनी वर्ब एम, आई एम अ पाकिस्तानी, चूंकि ओरिजिनलिटी है, ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ प्रॉपर है, नाउन जो है ओरिजिन है, नाउन की जो काइंड है प्रॉपर नाउन है, ओरिजिनलिटी शो करता है, नेशनैलिटी शो करता है, तो नाउन ऑफ ओरिजिन है, आई एम अ पाकिस्तानी प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है, नेशनैलिटी है, आई एम अ पाकिस्तानी टीचर, मैं एक पाकिस्तानी उस्ताद हूँ, मैं के साथ, वो तमाम अच्छे तालिब इलम हैं, वो तमाम अच्छे तालिब इलम हैं। अब वो से देखें क्या है, मतलब जमा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नाउन्स हैं, दे ऑल तमाम, दे के बाद ऑल, दे ऑल आर हैं, दे ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, वो तमाम अच्छे तालिब इलम हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये कीमती घड़ी है, ये अब चूंकि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या होगा, दिस वॉच इज प्रेशियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, दिस वॉच इज प्रेशियस, ये इसका होगा, ये कीमती घड़ी है, ये फूल सुरख हैं। अब ये देखें दी, ये दिस और दीस का फर्क है, दिस होता अगर एक फूल है तो दिस यूज होता, अगर जमा है तो दीस होगा, दीस फ्लावर्स आर रेड, सो सिंगुलर प्लूरल में नजदीक के लिए क्या इस्तेमाल होगा, दीस फ्लावर्स आर रेड, अगर एक होता तो फिर क्या आना था बच्चों, इज, तो हम कह सकते हैं ये देखें जमा के साथ, और ये इसके साथ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा लगा, दीज, ठीक है, ये देखें इस, ये आर, तो इसका इस्तेमाल हो रहा है। मेरी उम्र 25 वर्ष है, मेरी उम्र 25 साल है, माई एज इज, या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, 25 ईयर्स, आई एम, या माई एज इज 25, अब दोनों तरह से सही है, फिर उसमें एज के साथ इज आ जाएगा एज कलेक्टिव नाउन। किताबें मेज पर नहीं हैं, द बुक्स, किताबें खास बनाने के लिए आप लगा रहे हैं बुक्स के साथ, कोई मखसूस किताबें, द बुक्स आर हैं, द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, किताबें मेज पर नहीं हैं, आर, द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व के लिए देखते रहिए वंडर्स ऑफ इंग्लिश। अगर तो आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदा मंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दीगर स्टूडेंट्स को बताएं।
एंड स्टे विद अस। अपना ख्याल रखें।